अब सब लोग अपने अपने घरों में भी इस प्रकार से वार्ता जी का क्रम कालांतर में जरूर रखिएगा, और संघ में बैठ के परिवार के जन एक आधा घंटा ही सही, एक प्रसंग, दो प्रसंग, जैसा भी हो, हमारे इन वल्लभ पुराण विठल पुराण का सत्संग आप जरूर करिएगा। 84 वैष्णव, 252 वैष्णव की वार्ता, ये पुराण अवत हमारे वैष्णवों का जीवन धन है। आप सभी लोगों ने जो ढंग से संप्रदाय का चयन किया है, बाय डिफॉल्ट आ गए हूं, परंपरा से आ गए हूं, आग्रह से आए हूं, या आके मालूम पड़ा हो कि हम तो पुष्टि मार्गी हो गए, तो भी अब जो हम संप्रदाय में हैं, जिस मार्ग में हैं, उसको अच्छे ढंग से जीना चाहिए। आप वार्ता साहित्य से जब तक टच में रहेंगे, आप पुष्टि मार्गी हिस्ट्री से कनेक्टेड रहेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूंगा, मैं वार्ता साहित्य के प्रमोशन में केवल अपना सेवा धर्म निभा रहा हूं। महाप्रभु जी के इन भक्तों की वार्ता को प्रमोट करना, पब्लिसाइज करना, एडवर्टाइज करना, इसमें मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत। लेकिन महाप्रभु जी का बच्चा होने के कारण मैं महाप्रभु जी के कुल का जो गौरव है, जो महाप्रभु जी के कुल में जिन वैष्णवों ने एक अभिन्न, अविभाज्य और अद्वितीय स्थान बनाया है, ऐसे वैष्णवों के चरित्र आप आज के वैष्णवों के सामने गा के मैं ये सिर्फ इतना सा ही एक कीर्तिमान स्थापित करना चाहता हूं कि हमारी कीर्ति गत 500 वर्षों से जो समाज में व्याप्त हुई है, उस कीर्ति में इन कथाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे रामायण, महाभारत, भागवत आदि शास्त्र नहीं होते तो सनातन धर्म को टिकाना बहुत कठिन होता। उसी प्रकार से वार्ता साहित्य यदि नहीं होगा, या हम उससे को भूल जाएंगे, या उसका अध्ययन या चिंतन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हम पुष्टि मार्ग को भी भूल जाएंगे। श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता, श्री महाप्रभु जी का मूल पुरुष वल्लभाख्यान या वल्लभ दिग्विजय, ये 252 84 वैष्णव वार्ता, 84 बैठक चरित्र, निज वार्ता, घरु वार्ता, ये सब पुष्टि मार्गियों को अपने जीवन में बारंबार चिंतन करना चाहिए। ये चीजें देखने से कभी न कभी षोडश ग्रंथों में गति, 41 शिक्षा पत्र में गति, ऐसे करके हमारे अधिकार बढ़ते हैं, तो हमारा शास्त्र पे भी अधिकार बनने लगता है। मैं बहुत हृदय पूर्वक महाप्रभु जी के अलौकिक चरणारविंद में, दिव्य चरणारविंद में ये विज्ञप्ति करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि हे महाप्रभु जी, हे प्रभु चरण श्री गुसाई जी, आप श्रीनाथ जी यमुना जी सहित यदि अपना अलौकिक स्वरूप ये भक्तों के हृदय में आप यदि स्थापना चाहते हो, तो आप कृपा करके पहले अपने इन भक्तों के चरित्र से आज की भगवदीय जो समाज बन रहा है, या जो भक्त समाज है, आस्तिक समाज है, आप उसका पहले परिचय कराएं, और ये भक्तों के चरित्र हमारे हृदय में विराजें। हमको ये संभव है कि किसी को ये नाम याद ना आवे, लेकिन वार्ता या प्रसंग भी याद आवे कि हाँ, एक ऐसे सेवक का प्रसंग आता है, तब महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा करी और मार्ग को यह सिद्धांत दिखायो, यह सिद्धांत जतायो, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर व्यक्ति का नाम रखना या नाम याद रखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि हम वार्ता का प्रसंग याद रखें कि उस समय क्या प्रसंग बना, उसमें क्या निर्णय लिए गए, और तब महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा की, प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने क्या आज्ञा की, उन वैष्णवों ने उस समय पे कैसा वर्तन किया। तो एक वर्तना भी बहुत जरूरी है कि हम कैसे समय पे कैसा निर्णय लें। तो ये वार्ताएं हमको समाज में निर्णायक स्थिति पे यदि हमको बिठाया जाए, तो कैसे निर्णय लेना, वो भी हमको ये वार्ताएं सिखाती हैं। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी लोगों को आग्रह करूंगा, कृष्णदास मेघन जी की वार्ता में मैं और आप प्रवेश करते हैं। बचपन से सुनी इन वार्ताओं में हमारा बड़ा प्रेम है, तो इसलिए जिन चीजों के साथ अपन को प्रेम होता है, अपन को बांटना भी अच्छा लगता है। मैं मेरे फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के श्रोताओं को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज मैं थोड़ा गले से परिश्रमित हूँ, तो मुझे मेरे खराब वाणी में व्याख्यान या सत्संग कराने के लिए क्षमा करें, और मेरे जूम सभा के मित्र, आप सब लोग अब ध्यान पूर्वक आप जरूर इस वार्ता का दर्शन करें। ये गंभीर भी है, और ये वार्ता में छोटे छोटे बहुत तथ्य
तथ्य और तत्व ऐसे आएंगे जो मैं आपके साथ बांटता चलूंगा जहां मुझे स्फुरित होगा। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक कृष्णदास मेघन क्षत्री सौरों में रहते तिनकी वार्ता को भाव कहते। सौरों जी जो है वो सूकर क्षेत्र है। सौरों जी ब्रजमंडल के पास गंगा जी की धारा जहां निकट से होके जाती है उस स्थान को सौरों जी कहते हैं। बहुत लोग इसको सोरम जी भी कहते हैं। प्राचीन नाम इसका सूकर क्षेत्र है। इस समय पे हम जिस कल्प में हैं श्वेत वाराह कल्प, ये भगवान श्वेत वाराह का मंदिर भी ये सूकर क्षेत्र में ही है। और क्योंकि वहां पे स्वयं वाराह स्वामी ने, ये क्या है देखो, सूकर क्षेत्र का महात्म्य तो बहुत बड़ा है, मुझे जितना अभी प्रसंग पता है मैं उतना आपके साथ बांट रहा हूं और विद्वान लोग इस पे आगे प्रकाश करेंगे ही। ऐसा कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो हैं ये कश्यप ऋषि के पुत्र हैं और कश्यप ऋषि के दिति नाम की पत्नी से ये दैत्य हुए। तो जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो भगवान ने सूकर रूप में किया और सुअर के रूप में, जिसको हम वाराह भगवान का अवतार कहते हैं, भगवान का दूसरा अवतार, ऐसे यो देखो तो क्रम गणना में तीसरा होता, मत्स्य कूर्म वराह। तो वराह स्वामी का ये जो स्थान है सूकर क्षेत्र, ये वो स्थान है कि जहां गंगा जी के समीप आके हिरण्याक्ष का वध करके और भगवान वराह स्वयं वहां विराजे। और तब तक वो पूर्ण रूप से श्याम वर्ण के हो गए थे क्योंकि उन्होंने कश्यप ऋषि के पुत्र, माता दिति के पुत्र, ऐसे एक ब्राह्मण दैत्य की हत्या की थी। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वध करने के कारण उनको जो दोष लगा उससे उनका पूरा श्रीअंग जो था वो श्याम वर्ण का हो गया। तो वो जब वहां पधारे सूकर क्षेत्र पे विराजे तो वहां के ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, तत्काल के ऋषियों ने उनसे विनती की कि ये बड़ा परम पावन और पवित्र स्थान है सौरव जी सूकर क्षेत्र, यहाँ जो गंगा जी की धारा है यहाँ पे आप अपना ये स्नान करेंगे तो आपकी ये जो श्याम देह है ये छूट जाएगी और आपको वापस अपनी जो आप जिस रूप में आप अवतरित हुए थे वो आपका श्री विग्रह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान वाराह ने वहां गंगा जी के उस हृदय में, उस स्थान में आपने स्नान किया। स्नान करते ही आपका जो ब्रह्म हत्या से युक्त जो श्याम विग्रह था वो जल में ही विलीन हो गया और वहां से आप श्वेत वाराह के रूप में प्रकट हुए और वो श्वेत वाराह का ही वहां स्थान है, मंदिर है। और आज भी उसके बाद जब भगवान का इस रूप में ऋषियों ने दर्शन किया तो ऋषियों ने ऐसा वचन दिया, आश्वासन दिया कि आगे भी जो लोग आके अपने पूर्वजों की अस्थि यहाँ विसर्जन करेंगे उनको वैकुंठ प्राप्त होगा, उनको भगवत धाम प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ आके भगवान वाराह ने भी अपना देह त्याग किया और वो देह त्याग करके वो श्वेत वाराह होके उत्तम अपने मूल स्थान के लिए पधारे बढ़े। तो इसलिए सूकर क्षेत्र में श्री महाप्रभु जी की बैठक जी है। सूकर क्षेत्र को अपना घर करके जिस समय पे माला तिलक के ऊपर निषेध चिद्रूप नाम के सन्यासी ने, जहांगीर या उस समय का जो भी सुल्तान था, बादशाह, उसके देशाधिपति के हुकुम से जब माला तिलक के ऊपर बैन लेके आए थे, तब गिरधर जी भी श्रीमद गोकुल का त्याग करके सौरव जी जाकर ही विराजे थे। तो महाप्रभु जी की बैठक जी है सूकर क्षेत्र की, सौरव जी की। और उसके अलावा वहां पे श्री गिरधर जी भी कुछ समय विराजे और बहुत से आचार्य बालकों का वहां वर्णन मिलता ही है सूकर क्षेत्र पधारने का, सौरम जी जाने का। और आज भी वल्लभ कुल के भी जो अस्थि विसर्जन होते हैं, फूल पधराने का जो क्रम होता है वो तीन स्थान में होता है। हमारे यहाँ कुछ फूल जो हैं वो श्री गिरिराज जी में निक्षेप करके वहां तुलसी क्यारा किया जाता है। श्री गोवर्धन की रही है तरेटी की भावना से कि सर्वदा आप ब्रजरज में श्री गोवर्धन की तरेटी में ही सर्वदा आप निवास करें। दूसरा मथुरा जी में ध्रुव क्षेत्र में, जहाँ पे ध्रुव पराशरा अभिष्ट दे, जहाँ ध्रुव जी को और पराशर ऋषि को अपना अभिष्ट प्राप्त हुआ, ऐसे यमुना जी की मध्य धारा में नाव में बैठकर और फिर ध्रुव क्षेत्र के सामने यमुना जी में फूल पधराए जाते हैं।
और एक भाग जो होता है वो सुकर सौरम जी सौरों यहां ले जाके गंगा जी में बदलाया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में ये एक विधान है कि प्रत्येक सनातनी की अस्थि विसर्जन गंगा अथवा गोदावरी में होनी चाहिए। गंगा मतलब पुण्य सलिला नदियों में होनी चाहिए। उसमें भी जो जाह्नवी हैं, जो भागीरथी हैं, मंदाकिनी, अलकनंदा, गंगा आदि नामों से जानने वाली, ये जो हैं ये पुण्यदायिनी और मोक्षदायिनी हैं। तो हमारे यहाँ यमुना जी, गिरिराज जी और गंगा जी, ये तीनों जगह पे अस्थि फूलों का निक्षेप किया जाता है, प्रवाहित किए जाते हैं। तो ये सौरों जी का बड़ा महात्म्य है। ये कृष्णदास मेघन हम जिनकी वार्ता कर रहे हैं, ये भले क्षत्रिय थे लेकिन ये क्षत्रिय इसी सौरों जी के थे। ये सौरम जी सूकर क्षेत्र के रहवासी थे। इनकी वार्ता को भाव कहते हैं, भाव प्रकाश। सो कृष्णदास विशाखा सखी ते प्रगटी। विशाखा जी श्री स्वामिनी जी की छाया रूप है। जैसे छाया शरीर के संग लागी डोले, तैसे ही विशाखा जी श्री स्वामिनी जी के संग रहते। ताही प्रकार सो कृष्णदास हो श्री आचार्य जी के संग रहते हैं। कृष्णदास में ऐश्वर्य को आवेश बहुत है। सो आगे वार्ता में वर्णन करेंगे। ये विशाखा जी ते प्रगटे हैं, ये विशाखा जी का ही एक स्वरूप है। और जैसे श्री स्वामिनी जी के संग नित्य स्थिति विशाखा जी की है, परछाई छायावत, वैसे ही ये भी श्री महाप्रभु जी के संग ही रहते। तो जब से शरण आए तब से इनने कभी श्री महाप्रभु जी को नहीं छोड़े। तो ये वो हमारे कृष्णदास मेघन है। और इनमें ऐश्वर्य को आवेश बहुत है, ये ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। बार बार इनके चरित्रों में मालूम पड़ता है इनका सामर्थ्य। यहां तक कि वासुदेव दास छकड़ा की वार्ता में भी जो मुझे स्मरण हो रहा है अभी, वासुदेव दास छकड़ा जैसे पहलवान, महामल्ल, वेल बिल्ट, ऐसे वासुदेव दास छकड़ा का हाथ इन्होंने पकड़ लिया तो वासुदेव दास छकड़ा अपना हाथ नहीं छुड़ा पाए थे। कृष्णदास जी में श्री महाप्रभु जी की कृपा का सामर्थ्य ऐश्वर्य गुण के रूप से आवेश बहुत। ये कृष्णदास मेघन है और इनके कारण बहुत से वैष्णव श्री महाप्रभु जी के शरण आए। सो आगे वार्ताओं में आएंगे ही, अभी हम इनके देखें। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पृथ्वी परिक्रमा करी, तीनों बेर कृष्णदास संग रहे। प्रथम परिक्रमा में बद्री नारायण के परली और किरणी नाम के पर्वत हैं। ये परली और किरणी नाम के पर्वत बद्री का आश्रम बद्री नारायण, तहां ते एक बड़ी शिला गिरी। सो कृष्णदास मेघन ने हाथ सो थामी। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप बड़े प्रसन्न भए और सो अलौकिक फल देते। परंतु परीक्षा देखन अर्थ कृष्णदास सो कहो, जो तू मांग कहाँ मांगत है। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। पूरी जो टीम, जो पार्टी, जो श्री महाप्रभु जी के साथ जो संघ साथ था, उनके ऊपर इतनी बड़ी शिला गिरती तो सबको चल जाते। इन्होंने अपने अकेले हाथ से उसको बड़ी शिला खंड को लैंडस्लाइड, बद्रिकाश्रम के आसपास तो क्या होता है कि जो एवलॉन्च लैंडस्लाइड्स होती हैं, वो लैंडस्लाइड में से एक बड़ी शिला गिरी और इन्होंने रोकी। तो महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे तो अलौकिक फल महाप्रभु जी देते, पन पात्रता देखवे के लिए, जीव के अधिकार देखवे के लिए परीक्षार्थ कृष्णदास से पूछो कि कहो का मांगत है, जो तू मांगी का मांगत है। तब कृष्णदास ने तीन वस्तु मांगी। पहली, मारक को सिद्धांत हृदयारूढ़ हो। दूसरो, मुखरता दोष जाई। और तीसरो, मेरे गुरु के घर पधारो और उनको अंगीकार करो। तामे दो ही वस्तु तो श्री महाप्रभु जी ने दीनी, पन गुरु के घर पधारवे की नाही की। बहुत शांति से इस बात को सुनिएगा। पहला वरदान मांगा, मार्ग का सिद्धांत हृदयारूढ़। आपके समस्त ग्रंथ, आपकी समस्त आज्ञाएं, ये सब जो है ये मुझे प्राप्त हूं। दूसरा, मुखरता दोष जय। कभी कोई अविवेक की बात, कभी कोई अर्थहीन बात, कभी कोई असत्संग या असदालाप की बात मुख से निकले ही ना। जब निकले भगवान नाम, भगवद वार्ता और सत्यम वद प्रियम वद, बस यही निकले, ऐसा आप मुखरता दोष चाहिए। दूसरा, वैष्णव समाज में भी आज भी
बहुत से ऐसे वाक्य कभी कभी निकल जाते हैं जो वास्तव में मुखरता दोष होते हैं। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत के तौर पर बताऊं, जैसे ऐसा किसी बात से कंटाल के कोई वैष्णव कहे, अब कब भगवान कृपा करेंगे क्या मालूम, ये भी एक प्रकार का मुखरता दोष है। हम भगवत कृपा के दायरे में हैं इसका विश्वास होना चाहिए, हम भगवत कृपा में ही हैं, हमारे पर भगवत कृपा हो ही रही है, अपने अपने अधिकार से हमको भगवत कृपा मिल ही रही है। पर जैसे हमको भी बहुत सहज वैष्णव भाव से आके ऐसे सहज बोलते हैं, अब जे जे आप कई कृपा करो तो था है। अरे तो कृपा नहीं है क्या, और कृपा कैसे करूं, मतलब कोई बॉन्ड लिख के दूं कृपा का, कोई क्या क्या ढंग से कृपा करूं, कैसे दूं, कुछ वजन करके दूं के तोल के दूं के बोल के दूं। अरे कृपा तो कैसी चीज है, अनुग्रह का बादल कोई भूमि देख के थोड़ी बरसता है, कभी तो समुद्र में भी बरस जाएगा, कभी भूमि पे बरस जाएगा, कभी रेगिस्तान में बरस जाएगा। कृपा का बादल तो दीवाना होता है, वो तो कहीं भी कब जा प्रभु की इच्छा हो वहां कृपा बरसा दे। तो कृपा के दायरे में हम हैं, कृपा हम पे है, प्रभु कृपालु है, प्रभु सर्वांतर्यामी है, प्रभु सर्वज्ञ है, जीव की सारी परिस्थिति से प्रभु अवगत है। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं प्रार्थित एवं तत्व किम स्या स्वाम्याभिप्राय संशया सर्वत्र तस्य सर्वमि सर्व सामर्थ्यमेव च। प्रभु तो सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वत्र है, सब कुछ जानते हैं, तो फिर प्रार्थना क्यों करता है, अरे प्रभु मेरा ये कार्य करा दो, अरे प्रभु मेरा वो कार्य हो जाए। प्रभु के सामने कौन सी बात है जो नहीं मालूम, प्रभु को सब मालूम है। तो फिर प्रभु के अभिप्राय पे, मतलब प्रभु जो करना चाहते हैं उस पे संशय करके प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, मतलब मांग मांग नहीं करनी चाहिए, प्रभु ये कार्य हो जाए, प्रभु ये कार्य हो जाए, अर्थार्थी भक्त मनुष्य को नहीं होना चाहिए। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जनः सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मैं मानता हूं कि अर्थार्थी भक्त भी एक भक्त ही है, और भगवान ने उनको दुष्कृतिन नहीं कहा, उनको सुकृतिन कहा, अच्छे लोग हैं, कोई आर्त है, किसी को कोई पीड़ा है, पीड़ा में गजेंद्र की तरह पुकार रहा है प्रभु मेरी रक्षा करो, तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, वो आर्त भक्त है। किसी को जानना है, देखूं ठाकुर जी इस समय मेरी कैसे मदद करते हैं, क्या ठाकुर जी लीला करते हैं, देखूं जिज्ञासु है, अच्छे ढंग से लो उसको भी, वो सुकृतिन है, प्रभु का सामर्थ्य देखना चाह रहा है, कम से कम गांडापने में अपना सामर्थ्य थोड़ी बताना चाह रहा है, प्रभु का सामर्थ्य देखना चाह रहा है, जिज्ञासु। तीसरा है अर्थार्थी, ये करूंगा तो ये मिलेगा, इतना पाठ करूंगा तो ये मिलेगा, इतना यज्ञ करूंगा तो ये फल मिलेगा, ये सब अर्थार्थी भक्त हैं। और चौथा है ज्ञानी भक्त, ज्ञानी च भरतर शब्द, ये चारों को भगवान ने सुकृतिन बताया। मैं हमेशा बस इसमें एक चीज और ऐड करता हूं, यहां ज्ञानी का मतलब भक्त ही होता है, वह ज्ञानी, क्योंकि भगवान ने इस श्लोक के बाद तुरंत आज्ञा की है। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जनः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते। ज्ञानी वही है कि जिसमें एक भक्ति का विशेष गुण है, तो जो उसमें भक्त है वो ज्ञानी है, और ज्ञानी है वही भक्त है। तो गीता जी में जब ज्ञान की प्रशंसा हो तो उधर उसको ज्ञान मार्गी ज्ञानी नहीं गिनने का, उसको पुष्टि मार्गी भक्ति मार्गी ज्ञानी ही गिनने का, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक होते हैं जिज्ञासु, एक होते हैं अर्थार्थी, एक होते हैं आर्थ, और एक होते हैं भक्त। ये चारों लोगों को प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रभु अपने समय पे उनके सामर्थ्य, मतलब पचाने की सामर्थ्य और अधिकार या पात्रता अनुसार उसके ऊपर कृपा कर ही देंगे, और कृपा के दायरे में है, कृपा उस पर हो ही रही है। कृपा कब होगी, मतलब मुझ पर अभी कृपा नहीं है, ऐसा मानना भी एक प्रकार का मुखरता दोष है। इसलिए ठाकुर जी से कभी ऐसा सब नहीं बोलना, हमेशा यही विनती करनी, आपके खूब आशीर्वाद है प्रभु, आपकी खूब कृपा मुझ पर बरस रही है, मैं हूं क्योंकि आपकी कृपा है, मेरे पास जो भी कुछ है वो आपकी कृपा है। दास धर्म जीव का विवेक तो ये ही है, और जीव को फिर अपने जीव स्वभाव ही दिखाना हो तो बात और है, बाकी मांगा मांगी की कोई आवश्यकता नहीं। लोग पूछते हैं हम क्यों नहीं ठाकुर जी से मांग सकते हैं, मांगना उससे चाहिए जिसको कुछ ना पता हो कि तुमको क्या चाहिए, उससे मांगना चाहिए, जिसको पता है इसको कब क्या देना है उससे नहीं मांगना चाहिए। हमारा स्वरूप गिरता है, ठाकुर जी हमको
शायद ज्यादा अच्छी कोई वस्तु देना चाहते हैं, हम छोटी सी चीज मांग के प्रभु को समेट लेते हैं कि ठीक है ठीक है, अच्छा आपको इतना ही चाहिए, मैं तो और देवे वालों होती। यहाँ ऐसा ही हो रहा, इन्होंने दो चीज तो बहुत बढ़िया मांगी, एक मार्ग का सिद्धांत हृदयारूढ़ हो और दूसरा मुखरता दोष जाए। तीसरी बात क्या कही, हमारे गुरु के घर पधारो और उनको शरण ही लो, उनको अंगीकार। तो यहां देखो वार्ताकार स्पष्ट कह रहे हैं कि तामे से दो वस्तु दीनी और गुरु के घर पधारा की ना ही की नहीं। भाव प्रकाश, मैं भी कुछ बोलूंगा, पहले हम हरिराय जी को सुन। या पहले को गुरु भाव हृदय में हतो सो बाहिर प्रगट्यो, ताते अलौकिक दान श्री आचार्य जी ने छिपाए लियो, दो वस्तु दिए गुरु की ना ही किए, सो दैवी ना हतो, गुरु जो थे उनके वो दैवी जीव नहीं थे, दैवी बिना एतन मार्ग में अंगीकार नहीं। जो दैवी जीव नहीं होता उसका इस मार्ग में एतन मार्ग में अंगीकार नहीं होता। या प्रकार दो वस्तु दिए परंतु और को गुरु भाव रहे, ताते मार्ग को अनुभव न भयो और मुखरता दोष हो न गयो, प्रथम सामर्थ्य थे कछु सामर्थ्य हु घटी। हरिराय महाप्रभु ऐसी आज्ञा कर रहे हैं भाव प्रकाश के, पहले तो गुरु को क्यों नहीं लिया शरण, वो दैवी जीव नहीं था। दूसरा कि महाप्रभु जी ने दो वस्तु दी, मार्ग का सिद्धांत हृदयारूढ़ करा दिया, मुखरता दोष भी तेरा जाए ऐसा आशीर्वाद दे दिया, पर क्योंकि दूसरे में गुरु भाव था इसलिए ये मार्ग का अनुभव उनको नहीं हुआ और मुखरता दोष भी नहीं गया, यहां तक कि इसके कारण जो उनकी ओरिजिनल सामर्थ्य थी कृष्णदास जी की वो भी कुछ घटी। वार्ता प्रसंग दो, बहुरी श्री आचार्य जी बद्रिका आश्रम के आगे व्यास जी की गुफा में पधारे, सो तहा जीव की गम्य नहीं। बद्रिका आश्रम में मैं तो अभी तक सौभाग्य मुझे नहीं मिला है वहां जाने का, लेकिन ऐसा हमने सुना है कि बद्रिका आश्रम में एक स्थान है जिसका नाम है श्याम्याप्रास। श्याम्याप्रास के पास केशव प्रयाग नाम की जगह है जहां पे गुप्त सरस्वती और गंगा जी की एक धारा मिलती है, वो केशव प्रयाग श्याम्याप्रास के पास बद्रिकाश्रम में जो बद्री वन है उसके पास व्यास जी की गुफा है, और वो व्यास जी की गुफा में श्री महाप्रभु जी पधारे। यहाँ पे लिख रहे हैं सो तामे जीव की गम्य नहीं, आज भी इसका मतलब क्या होता है, आज भी बहुत लोग जाते हैं व्यास गुफा, व्यासाश्रम में व्यास गुफा के दर्शन करके आते हैं, जीव की गम्य है, पर जीव की गम्य नहीं का मतलब है वहां वेद व्यास जी का साक्षात्कार नहीं होता, इनको हुआ, मतलब श्रीमद आचार्य चरण को हुआ। देखो जगत गुरु समस्त आचार्यों को भगवत पाद शंकराचार्य, भगवत पाद श्रीमद रामानुजाचार्य, जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य, भगवत पाद श्रीमन निम्बार्काचार्य और जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य, इन सभी के चरित्रों में सुस्पष्ट आता है कैसे महर्षि व्यास ने इनको दर्शन दिए। तो कुछ लोग खुद व्यासाश्रम तक पधारे, जैसे बोधायन की वृत्ति, बोधायन का वृत्ति ग्रंथ लेने भगवत पाद रामानुजाचार्य वहां पधारे, क्योंकि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत से यदि ब्रह्म सूत्र पे भाष्य करना है तो उसमें महर्षि बोधायन की वृत्ति होना बहुत जरूरी है, वो वृत्ति ग्रंथ देखे बिना विशिष्टाद्वैत सिद्धांत से भाष्य नहीं हो सकता, तो इस कारण से भगवत पाद रामानुजाचार्य। लेकिन वो व्यासाश्रम में व्यास जी को नहीं मिले, वो कश्मीर में जो सरस्वती जी का सर्वज्ञ पीठ, जो सर्वज्ञ पीठ नाम का स्थान है जहां मूल सरस्वती जी विराजते हैं पूरे भारत के, वहां पे व्यास जी उनको उनका साक्षात्कार हुआ और स्वयं कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास ने ही भगवत पाद रामानुजाचार्य को अपने हाथ से ये बोधायन ऋषि का वृत्ति ग्रंथ दिया, जिसके आधार पे बादरायण के ब्रह्म सूत्रों पे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का भाष्य प्रकट हुआ। उसी प्रकार से अपनी भगवत गीता पे की हुई टीका बद्री नारायण को समर्पित करने जब मध्वाचार्य जी पधारे तो जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी को बद्रिकाश्रम में ही, व्यास गुफा में नहीं, बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जी के सन्निधान में ही वेद व्यास जी का दर्शन हुआ और उन्होंने वहीं अपनी वो कृति जब उनको दी तो व्यास जी ने उनको भी आज्ञा की कि तुम अद्वैत सिद्धांत से, केवल द्वैत, केवल अद्वैत नहीं, अद्वैत से नहीं, द्वैतवाद से, प्योर द्वैत,
द्वैतवाद से तुम अपना भाष्य स्वयं लिखो और ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा से तुम अनुभा जैसे ब्रह्म सूत्रों पे भाष्य होना चाहिए वो भी अब लिखो। तुम्हारी भगवद गीता की टीका बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से उनको दर्शन हुआ। तीसरा, निम्बार्काचार्य जी के जीवन चरित्र में भी वर्णन आता है कि कैसे निम्बार्काचार्य जी को व्यास जी का दर्शन हुआ और भगवत पाद शंकराचार्य को तो व्यास जी स्वयं मिलने आए और जब वेद व्यास जी ने उनके दर्शन किए, क्योंकि शंभो मूर्ति चरति भुवने शंकराचार्य रूपा, जिस समय शंकर जी स्वयं अवतार लेके पधारे हैं तो समस्त ऋषि उनका भी दर्शन करने स्वतः जाते थे। तो उसी प्रकार से 16 वर्ष की आयुष्य में जब उनकी आयुष्य पूर्ण होने को आई, 16 वर्ष की आयुष्य थी शंकराचार्य की, तो जब उनकी आयुष्य पूर्ण होने आई और उनके तो बहुत सारे कार्य जैन और बौद्ध धर्म को और चार्वाक आदि अन्य अवैदिक सिद्धांतों को निरस्त करने के कार्य बाकी थे, तो व्यास जी प्रकट हुए। व्यास जी ने प्रकट होकर उनको दो आज्ञा की। पहली, मायावाद परक ब्रह्म सूत्रों पे भाष्य प्रकट करने की, और दूसरा उनको 16 वर्ष आयुष्य और दी ताकि वो ये सब कार्य कर सकें। और चारों भारत के कोण में आप चारों पीठ आमनाय पीठों का स्थापन कर सकें। तो इस प्रकार से व्यास जी ने सभी जगतगुरु आचार्यों को अपने अपने समय पर दर्शन दिए हैं। तो वेद व्यास जी और बद्रीनारायण का दर्शन करने पृथ्वी परिक्रमा के व्यास से जब श्री महाप्रभु जी वहां पधारे तो ये कृष्णदास मेघन भी संग रहे इनके साथ। व्यास गुफा में, व्यास जी की गुफा में जब दर्शन को पधारे तो वहां कह रहे हैं तहां जीव की गम्य नहीं। जीव की गम्य नहीं का मतलब यही है वो अंदर चला भी जाएगा तो साक्षात वेद व्यास जी के दर्शन उनको नहीं। भूलना नहीं चाहिए कि वेद व्यास जी ऐसे ऋषि हैं जो चिरंजीवियों में भी गिने जाते हैं। अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा आदि की तरह वेद व्यास जी अद्यावधि भूतल पे विराज रहे। यहाँ अभी जिनको व्यास जी की कृपा जिन पे होती है उनको ही व्यास जी का दर्शन होता है। तो इस कारण से वेद व्यास जी के दर्शन करने आप गए हैं। ताते कृष्णदास श्री आचार्य जी ने कहो जो ठाड़ो रही हो। सो जब श्री आचार्य जी आगे को पधारे तो वेद व्यास जी सामे ही आए। सो श्री आचार्य जी को पधराई के अपने धाम में ले गए। पाछे वेद व्यास जी ने आचार्य जी से कहो जो तुमने श्री भागवत की टीका करी है सो मोको सुनाओ। तब श्री आचार्य जी ने युगल गीत के अध्याय को एक श्लोक वाम बाहुकृत वाम कपोलो वलगित भ्रूर रधरार्पित वेणु कोमलांगल विनाश्रित मार्गम गोप्य ईरयति अत्र मुकुंद या श्लोक को व्याख्यान कियो सो 3 दिन 3 रात्र में संपूर्ण भयो। तब वेद व्यास जी ने कहो जो मैं यह व्याख्यान की अवधारणा नहीं करी सकत ताते अब क्षमा करो। पाछे श्री आचार्य जी कहो जो तुम तो वेदांत के ऐसे सूत्र कहा किए जो मायावाद पर अर्थ लगो। तब व्यास जी ने कहो जो मैं कहा करूं मुकु आज्ञा ही ऐसी हती जो ऐसे ही करियो जामे दो ही अर्थ प्राप्त हुए। तब श्री आचार्य जी ने कहो जो हमने तो ब्रह्मवाद पर अर्थ कियो है सो सुनायो। सो सुन के वेद व्यास जी बहुत प्रसन्न। पहले श्री महाप्रभु जी ने उनको सुबोधनी जी सुनाई तो एक श्लोक का व्याख्यान महाप्रभु जी ने जैसा व्यास जी के लिए किया उसमें 3 दिन 3 रात्र निकल गई। तो 3 दिन 3 रात्रि तक एक श्लोक का व्याख्यान श्रवण करते 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 वेद व्यास जी ने भी विनती कर ली कि इससे ज्यादा मेरी अवधारणा नहीं है तो अब आप पूरा करो, मतलब मैं कितना सुनू एक श्लोक के ऊपर। तो इस प्रकार से विनती गई तो महाप्रभु जी ने कहा कि ठीक है तो तुमने ऐसे ब्रह्म सूत्र क्यों लिखे जिससे मायावाद पे भी अर्थ बनता है अर्थात शंकर मत केवल अद्वैतवाद भी प्रकट होता है। तो उनने कहा क्या करें हमको भगवद आज्ञा ही ऐसे थी कि जितने भी संप्रदाय प्रवर्तन हो वो संप्रदाय के आचार्य अपने अपने मत से भाष्य प्रकट कर सके ऐसे ही सूत्र लिखो। सो ताते ऐसे ही सूत्र किए। तब आचार्य जी ने कही कि हमने तो ब्रह्मवाद पे उसका अर्थ किया है। तो वो सुन के वेद व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। ता पाछे वेद व्यास जी सो विदा हुई के आचार्य जी तीसरे दिन पधारे। तब कृष्णदास को ठाड़ी देख के प्रसन्न हुए, कहे तो तुम ठाड़ो खाए को है गयो क्यों नहीं।
तब कृष्णदास ने कहो जो महाराज मैं कहाँ जाऊं, मुको तुम्हारे चरणारविंद बिना कछु आश्रय नहीं है। तब यह सुनी कि आचार्य जी महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और कहो जो मांग, तब फेरी वो वही तीन वस्तु मांगी, कामे दो ही वस्तु तो दीनी और गुरु के घर जाए वे कि नहीं। उसको फिर कहा कुछ मांग, फिर कृष्णदास जी ने यही मांग लिए तीनों चीज, मार्ग का सिद्धांत हृदयारूढ़ हो, मुखरता दोष जाए और मेरे गुरु को शरण दो। फिर वापस यहां वार्ताकार करें कि महाप्रभु जी ने दो ही वस्तु तो दीनी पन गुरु के घर पधारवे की फिर सुनाई की। भाव प्रकाश, क्यों नहीं किनी, क्यों नहीं मिली उनको वो दो वस्तु भी, क्योंकि और को गुरु भाव हतो, ताते प्रथम ते कछुक सामर्थ्य हो घटी। सो व्यास जी की गुफा में आचार्य जी कृष्णदास जी को संग नहीं ले गए, सो याते युगल गीत को प्रसंग कहना है, ताकि धारणा अभी कृष्णदास सो न होगी, व्यास जी सो धारणा न भई, सो याते व्यास जी कला अवतार है, पुरुषोत्तम की वाणी भाव रूप की धारणा कैसे हो, यह श्री भागवत व्यास जी में श्री पुरुषोत्तम आप विराज के कही गए, व्यास जी द्वारा मात्र हैं, श्री भागवत के रस को अनुभव नहीं, सो रहस्य हर जीवन दास ने गायो। ये भाव प्रकाश कार श्री हरिराय महाप्रभु जी हमको समझा रहे हैं कि वेद व्यास जी जैसे वेद व्यास जी से भी क्यों अवधारणा न हुई, क्यों महाप्रभु जी की सुबोधनी तीन दिन तक सुन के भी वो उसको उससे ज्यादा धारण नहीं कर पाए, स्टोर नहीं कर पाए, कैपेसिट नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए। व्यास जी कह रहे हैं क्योंकि वो कला अवतार है, भगवान की अंश कला शक्ति आवेश इनके अवतार मिलाकर भगवान विष्णु के 24 अवतार होते हैं, उनमें प्रधान नारायण मध्यपाती जिनमें नारायण रूप से भगवान ने अवतार ग्रहण किए हैं वो दशावतार, और विष्णु ने जो चतुर्विंश अवतार लिए हैं उन 24 अवतारों में महर्षि व्यास की भी गणना है कि व्यास जी भी प्रभु का एक अवतार है। कैसा अवतार है? कला का अवतार। कला में कौन सी कला का अवतार है? ज्ञान कला का अवतार है, और ज्ञान कला के अवतार को जब लीला संबंध की युगल गीत की सुबोधनी सुनाई गई तो वो तीन दिन के ज्यादा उसको धारण नहीं कर पाए, सुन नहीं पाए। उसमें हेतु ये बता रहे हैं कि वेद व्यास जी में पधार के कला अवतार मतलब ज्ञान कला का तो आप प्रादुर्भाव है ही, पन क्योंकि भागवत जी के कर्ता वेद व्यास जी नहीं है, स्वयं प्रभु है, जन्माद्यस्य यता शास्त्र योनित्वात् सूत्र भी है, मतलब जन्माद्यस्य यता शास्त्र योनित्वात् ये एक सूत्र भी है ब्रह्म सूत्र में, और जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये जो पहले 5 श्लोक भागवत जी पे मिलते हैं, मैंने आपसे पहले भी एक सत्संग में ये बात कही थी कि आप कहीं से भी श्रीमद् भागवत जी लाके देखिए उस पे क्या लिखा है। भागवत जी के ऊपर टाइटल दिया रहता है महर्षि वेद व्यास प्रणीतम श्रीमद् भागवत महापुराण, विरचितम नहीं लिखा होता है। जिन्होंने भागवत जी का इस लोक में प्रणयन किया, जिन्होंने भागवत जी को इस लोक में उतारी वो व्यास जी। तो महर्षि वेद व्यास प्रणीतम श्रीमद् भागवत महापुराण, क्यों? क्योंकि जब प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय शुरू होता है तो 5 श्लोक तक न शौनक उवाच आता है न सूत उवाच आता है। पहले 5 श्लोक जो बोले गए हैं वो स्वयं भगवान द्वारा ही बोले गए। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाय तरतश्चार्तेषु विज्ञस्वराट् धर्म प्रवजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये सब जो पहले 5 श्लोक हैं इनके कर्ता भगवान स्वयं है। तो यहाँ भाव प्रकाश कार भी हमको यही बताना चाह रहे हैं कि आप तो केवल कला को अवतार है, ज्ञान कला को अवतार है, सो वेद को व्यास करवे के लिए, वेद को विस्तार करवे के लिए आप प्रगटे, परंतु जो भागवत जी प्रकट करी है ये तो श्री पुरुषोत्तम आप में पधार के विराज के कह गए। सो यह प्रकार से भागवत जी के मूल कर्ता तो श्री ठाकुर जी साक्षात श्री कृष्ण ही है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु आदि गुरु। जगत गुरु तो भगवान श्री कृष्ण आप स्वयं ही हैं। तो इसलिए भागवत जी के पहले 5 श्लोक पे
ऐसा नहीं लिखा है कि बादरायण उवाच या बादरायणी उवाच या शुक उवाच, नहीं, कोई नहीं उवाच। क्यों? जैसे वेदों के प्रारंभ में नहीं लिखा है कि ये वेद के मंत्र किसने लिखे। ऋग्वेद शुरू होता है, प्रथम मंडल, प्रथम मंत्र ऋग्वेद संहिता, ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम, सीधा वेद शुरू ही हो जाता है, क्योंकि वेद का कोई कर्ता नहीं है, वेद के रचयिता कोई नहीं है, वेद के उपदेष्टा प्रतिकल्प में भगवान आप स्वयं ही हैं। और जैसे भगवान नित्य हैं, वैसे वेद राशि भी नित्य है, शब्द ब्रह्म नित्य है, नाद ब्रह्म नित्य है, क्योंकि नाद और शब्द भी ब्रह्म का ही एक रूपांतर है। इसीलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, नाम रूप विभेदेना जगत क्रीड़ति योयता, शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यह सनो भूति हेतु। तो नाम रूप ये दो प्रकार से भगवान ही क्रीड़ा इस जगत में करते हैं, तो नाम भी जो है ये भगवान का स्वयं प्रकट किया हुआ है, ये वेद राशि के रूप में आया, बाद में ये श्रीमद भागवत शास्त्र के रूप में आया, ये गीता शास्त्र के रूप में आया, और वेद व्यास जी को भगवान ने ही आज्ञा करके ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित ही। 13वें अध्याय गीता जी में आप देख लें कि भगवान ने ही आज्ञा की कि किस प्रकार से तुम ब्रह्म सूत्र बनाओ। सो कही आए कि भगवान की ही आज्ञा ऐसी भई कि जो हर प्रकार के मत को अर्थ स्फुट होए, ऐसे सूत्रन को तुम लिखो। दूसरा, यहाँ खास में जानकारी देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, महर्षि वेदव्यास ने जब ब्रह्म सूत्र लिखे तो वो ब्रह्म सूत्रों को विदाउट पंक्चुएशन लिखा, कहीं कॉमा नहीं, कहीं फुल स्टॉप नहीं, कहीं ओपन एपोस्ट्रोफी नहीं, कहीं कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, बस आपने पूरा गद्यात्मक प्रोज के रूप में पूरे 554 सूत्र लिख डाले। तो जब 554 सूत्र ब्रह्मवादानुसारणी में, ये बात कह रहा हूं आपसे, तो वाल्लभ वेदांत के अनुसार, वाल्लभ मतानुसारी ब्रह्म सूत्रों की जो गणना है वो 555 नहीं है, 555 ब्रह्म सूत्र शांकर सिद्धांत में गिने जाते हैं, जहां जन्माद्यस्य यतः और शास्त्र योनित्वात् इनको दो अलग अलग सूत्र गिना जाता है, इसलिए अपने यहाँ ये एक ही सूत्र माना गया है, जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्, इसलिए अपने यहाँ ब्रह्म सूत्रों की संख्या 554 ही रहती है, 555 नहीं होती। खैर, अपना विषय ये है कि वेद व्यास जी के द्वारा भगवान ने उसी प्रकार से भागवत जी को प्रकट कराया जैसा सुखदेव जी के मुख से दशम स्कंध कहवाया। जैसे भगवान की ये दशम स्कंद की कृष्ण लीला जब शुरू होती है, तो कृष्ण लीला में पहले राजा के प्रश्न हैं, और राजा के प्रश्न पे सुखदेव जी कथितो वंश विस्तारो भूता सोम सूर्ययो, यहां से जब दशम स्कंद शुरू होता है तो राजोवाच से सुखदेव जी बोलते हैं, और सुखदेव जी को राजा फिर अपने अधिकार स्पष्ट करने के लिए, दशम स्कंद के अधिकारी वो हैं ये बताने के लिए फिर आप कुछ संवाद करते हैं। इसके बाद जब सुखदेव जी उत्तर देना शुरू करें, उसके पहले सूत जी बीच में आते हैं, और सूत जी बोलते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैया सखी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म शग्नम व्याहर्त मारवत भागवत प्रधाना। ये एक श्लोक बीच में आता है, ये श्लोक में स्पष्ट श्री महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं कि वैयासकी स भगवान, अब 9 स्कंद तक जो कथा सुखदेव जी ने करी वो तो सुखदेव जी ने करी, लेकिन अब दशम स्कंद की जो कथा कहेंगे सुखदेव जी, ये सुखदेव जी में अब भगवान का आवेश, भगवान का आविर्भाव हो गया है, और अब भगवान दशम स्कंद बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे सूत जी बीच में बोल रहे हैं कि एवं निशम्य भृगुनंदन साधु आदम वैयासकी स भगवान। ये वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं वैयासकी सुखदेव जी, अब ये केवल वो सुखदेव जी नहीं रह गए, ये सब भगवान है, अब इनमें भगवान का भी आविर्भाव हो गया है। और जब एक दूसरे की अर्चना इन लोगों ने कर ली, हाँ भाई तुम बहुत अच्छे वक्ता हो, हाँ भाई तुम बहुत अच्छे श्रोता हो, तो ये भागवत प्रधान, भक्तों में प्रधान, ऐसे परीक्षित को सुनाने के लिए, विष्णुरात को सुनाने के लिए, और अब ये इन्होंने दशम स्कंद शुरू किया है, और ये दशम स्कंद वास्तव में भगवान ही बोल रहे हैं। तो बस जिस तरह सुखदेव जी के हृदय में विराज के
भगवान ने दशम स्कंध की लीला कही, वैसे ही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ने वेद व्यास जी के हृदय में विराज के संपूर्ण श्रीमद् भागवत को प्रकट करी। इसलिए भागवत एक अलौकिक शास्त्र है और भाख 17 सुन 18 पंच ही कुमार, तो पंच परवा अविद्या की निवृत्ति कराने के लिए भी ये सुन 18 ये 18वें पुराण को सुनना ही जरूरी है। तो भाई भागवत जी जो है वो व्यास जी द्वारा मात्र लोक में प्रकट भई है, श्रीमद् भागवत के रस को अनुभव व्यास जी को भी नहीं, और व्यास जी को नहीं है ना इसका भी प्रमाण निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये जो कहा ना भगवान ने कह दिया कि भाई ये जो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वर, ये भी कहा कि वेद व्यास जी के द्वारा मैंने इसको नीचे लोक में भिजवाई है, पर ये जन कल्याण और लोगों के द्वारा ये ग्रहण करने योग्य कब बनेगी, ये पिबत भागवतम रसमालयम कब बनेगी, जब लोग इसको पी सकें, जब सुखदेव जी इसको बोलेंगे, तो जब सुखदेव जी बोलेंगे तब भागवत जी में से रस निष्पत्ति होगी। तो उसी प्रकार से तब तक एक फल के रूप में भागवत जी आई, और जब दशम स्कंद में ठाकुर जी ने गादी सुखदेव जी के मुख से ये कहवाई, तब ये फल में से रस भी निर्जरित होना शुरू हुआ। तो यहाँ यही चीज समझाने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि हरिजीवन दास जी ने भी इसका एक खुलासा किया है, ये बड़ा प्रसिद्ध पद है, सुनने लायक है। जोलो हरि आपन पनो न जनावे, तोलो वेद पुराण स्मृति सब पढ़े सुने नहीं आवे, सुनी विरंची नारायण मुख सो नारद सो कही दी। सबसे पहले भागवत जी को विरंची ब्रह्मा ने सुनी और उन्होंने नारद सो कही देनी, नारद कही वेद व्यास सो आप शोध नहीं की। नारद जी ने वो बात वेद व्यास जी से कह दी कि भाई तुम इस प्रकार से तप करो, समाधि में जाओ, समाधि लगा के भगवत साक्षात्कार करो और भागवत जी ठाकुर जी से प्राप्त कर लो। फिर वेद व्यास जी ने नारद जी के कथनानुसार वचनानुसार आज्ञानुसार समाधि में प्रवेश किया, तप किया, जप किया, भगवत साक्षात्कार किया और क्या जाना, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदुपाश्रयाम। तब वेद व्यास जी ने साक्षात पूर्ण पुरुष के दर्शन किए, जिनके पास दासी रूप से माया बैठी हुई थी, ऐसे पूर्ण पुरुष से आप कृपा के भाजन के रूप में ये श्रीमद् भागवत प्राप्त करके लाए और समाधि से बाहर पधार के आपने ये समाधि भाषा व्यासस्य जन कल्याणार्थ लोक कल्याणार्थ आपने सुखदेव आदि अपने शिष्यों को प्रदान की। वेद व्यास जी ने भागवत जी किसी को सुनाई नहीं, भागवत जी ने वेद व्यास जी ने भागवत पढ़ाई अपनी पुराण पाठशाला में अपने पैल सुमंतु वैशंपायन और जैमिनी ये अपने वेद के अध्ययन करता अपने शिष्यों को जब एक एक वेद का भार दिया तब, और पुराण पाठशाला के प्रचार प्रसार विस्तार की जवाबदारी जब आपने सुखदेव जी को दी तो आपने ये पूरा शास्त्र जो है ये सुखदेव जी को भी पढ़ाया। ऐसे तो आप देखो कि सुखदेव जी को जन्मना ये सब बातें ज्ञात थी क्योंकि आप स्वयं लीला सुख का ही प्रादुर्भाव हैं, आप स्वामी जी के निकुंज में जो पोपट जो तोता है उसका ही आप प्रादुर्भाव है सुखदेव जी, आप सब जानते ही थे। इसीलिए जब ये जन्मे और जन्म के सीधे दौड़ना शुरू हो गए तो वेद व्यास जी इनके पीछे दौड़े, क्यों दौड़े, क्योंकि इनके पास भी भागवत के बड़े रहस्य थे, तो वो भागवत जी के रहस्य सुन के सुखदेव जी से कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए कि जो मैंने समाधि में सुना जाना देखा बोला और लिखा वो करेक्ट है कि नहीं परफेक्ट है कि नहीं उसका कंफर्मेशन लेने के लिए सुखदेव जी के पीछे वेद व्यास जी भी भागे। तो ये समझने लगे बाद लोग कहते हैं व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पुत्र 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 करके भागे, अरे पुत्र पुत्र करके भागे, आवाज आनी बंद हो गई क्या, आवाज आ रही है ना, ठीक है नहीं आए तो बोलना ऐसे कहना कि नहीं आ रही, ठीक है क्योंकि मुझे एक आया है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये प्रकार से वेद व्यास जी सुखदेव जी ने कैसे भागवत जी प्रकट करी हम तो वो बता दे, कह रहे हैं कि सुनी विरंची नारायण मुख सो नारद सो कह दी, आदि करता इसके भगवान ही है, तो नारायण के मुख से ब्रह्मा जी ने सुनी, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेद व्यास जी से कही, नारद जी ने खुद इस पे कोई बहुत शोध नहीं किया, यद्यपि भक्ति सूत्र के आप रचयिता आचार्य हैं, भक्ति सूत्रों के आचार्य नारद जी हैं, नारद और शांडिल्य के ही
भक्ति सूत्र इस लोक में प्रसिद्ध हैं, तो भी नारद जी ने कुछ विशेष कार्य इससे नहीं किया, वेद व्यास जी को सौंप दी। वेद व्यास औषध की नाही पढ़ी तन ताप नसाय। उनको तो भाई जो इतने समय से ताप हो रहा था कि 17 पुराण और महाभारत लिख के भी वेद वेदांत सुस्नाते गीता या पिकर्तरी परितापवती व्यासे मुह्यत ज्ञान सागर, तो फिर भी अज्ञान सागर में पड़े हुए थे वेद व्यास जी। उनको वहां से नारद जी ने ही बाहर निकाल, पर उन्होंने कोई खास काम नहीं किया, उन्होंने औषध की नाही पढ़ी तन ताप नसायो। जैसे कोई व्यक्ति औषधि लेके रोग मुक्त हो जाए, वैसे अपने ताप की निवृत्ति के लिए आपने श्रीमद भागवत जी धारण कर ली। परंतु यहाँ कह रहे हैं कि तिनते पढ़े मुनि शुकदेवा परीक्षित कुजो सुनायो। उनसे वेद व्यास जी से किसने पढ़ाई की? शुकदेव जी ने भागवत जी की पढ़ाई की। उन्होंने क्या किया? परीक्षित कुजो सुनायो। परीक्षित ने क्या किया? जदपि नृपति, नृपति मतलब राजा परीक्षित, जदपि नृपति सुनी ब्रज की लीला दशम कही शुकदेवा, अरे दशम स्कंद भी सुना दिया, तो सर्वात्म भाव न उपजो ताते करी न सेवा। फिर भी सर्वात्म भाव नहीं प्रकट हुआ, क्योंकि वो तो मोक्ष के लिए सुन रहे थे, मोक्ष के अधिकारी हो चुके थे। श्री भागवत अमृत दधि मत के श्री वल्लभ सर्वोत्तम करी आवरण दूर निज जन के हाथ दिए पुरुषोत्तम। सेवा अरु श्रृंगार विविध रस श्री वल्लभ प्रगटायो करी कृपा निज दैवी जीवन पर हरि जीवन स्वाद चखायो। सो या प्रकार श्री आचार्य जी की कृपा ते रस की प्राप्ति की है, रस की प्राप्ति होए है। महाप्रभु जी की कृपा बिना श्रीमद भागवत के रस की प्राप्ति भी नहीं होए। यासु वेद व्यास जी ने 3 दिन तक महाप्रभु जी के वचनामृत सुने अवश्य, आनंद खूब लियो, पर कही के या के आगे मेरी अवधारणा नहीं है। देखो वेद व्यास जी का ऐसा कहना, वेद व्यास जी में कोई स्वरूप अच्युति है ऐसा नहीं है, वो महाप्रभु जी के स्वरूप को बताना चाह रहे हैं कि महाप्रभु जी वाणी के पति हैं, वाक्पति हैं, वाग्धीश हैं, भगवान के वदन कमल अनल का अवतार हैं, अग्नि स्वरूप आप साक्षात हैं, आप साक्षात, और वो भी अग्नि कौन सी? मुखाद अग्नि रजाय, जो अलौकिक आदिदैविक अग्नि अपने अधिष्ठान के साथ भगवान विराट के वाणी रूप के साथ रहती है, ऐसे अग्नि के आप अवतार हैं, वैश्वानर साक्षात हैं। और कृष्ण मुख अनल कली खलन को दंड दे, आप तो जो प्रकट हुए हैं वो विरहानल मूर्तिमान है। तो महाप्रभु जी के स्वरूप का गौरव बढ़ाने के लिए, यश बढ़ाने के लिए महाप्रभु जी में कृष्णास्यता, विभूता, वाक्पतित्व, वैश्वानरत्व, ये सब गुणों का अभिधान जो है उसको बताने के लिए व्यास जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि या के आगे मेरी अवधारणा नहीं है। बस समझे ना, तो यहाँ वेद व्यास जी के स्वरूप को वार्ताकार ने नहीं घटाया है, भगवान की ज्ञान कला के अवतार है, लेकिन बताया है कि एक भगवान के पूर्णावतार का अवतरित होना और एक भगवान की ज्ञान कला का अवतार होना, इसमें क्या फर्क है। बहुरी एक समय श्री आचार्य जी गंगा सागर पधारे, तहां श्री आचार्य जी आप पोड़े होते और कृष्णदास पांव दाबत होते। तब श्री आचार्य जी अपने मन में विचारे, जो धान के मुरमुरा हो ही तो आरोग्य। तब यह बात आचार्य जी के मन की कृष्णदास मेघन ने जानी, सो इतने में आचार्य जी को निद्रा आई। तब कृष्णदास उठ के गंगा सागर ऊपर आए, तब देखे तो पार एक दिया बरत है, ताकि अटकरते परी के गंगा जी को पार गए। कहां एक गांव हतो, कहां खेत में ते गीलो धान कटवायो, टका की जगह 2 टका दे के मुरमुरा सिद्ध करवाए। पाछे कृष्णदास गंगा जी में पैरी के मतलब तैरी के वापिस आचार्य जी के पास आए। तब आचार्य जी के चरणारविंद दाबी के जगाए, मुरमुरा आगे रखी, कहो जो महाराज अरोगो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पूछी, जो तू कहां ते ले आयो? तब कृष्णदास ने सब वृत्तांत कहो। तब आचार्य जी प्रसन्न होके कही, कछु मांग। तब बे 3 वस्तु मांगी। तब आचार्य जी ने कहो, जो जीव मांगी मांगी कनो कहा जाने, या समय जो मांग तो सोई दे, तो जो कहे थे श्री ठाकुर जी को स्वरूप दिखाओ। ठाकुर जी को स्वरूप ही तो दिखायो। आप एक वस्तु समझो, पहले तो महाप्रभु जी को ऐसी कोई इच्छा हो ही नहीं कि कुछ खाना है। क्यों? रात्रि के समय अन्न प्रसादी खाने की इच्छा महाप्रभु जी को हो है? स्वप्न में भी नहीं हो। अपने आप में ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन कृष्णदास मेघन को कराना है, इसलिए कृष्णदास मेघन को मन में पधार के अपने मन की भावना, वहां पे महाप्रभु जी यहाँ कहीं कुछ बोले थोड़ी है। तब यह बात आचार्य जी के मन की कृष्णदास मेघन ने जानी।
महाप्रभु जी के तो खाली पढ़ते पढ़ते लेटे लेटे मन में ऐसे आई कि कहीं से मुरमुरा ममरा, आज की भाषा में हम क्या बोलते हैं, ममरा, ममरा मिले तो धान के ममरा, चावल के ममरा जो बनाए जाते हैं वो मिले तो मजा, मतलब तो इस समय कुछ ममरा खाने का मन हो ऐसा। तो उनके मन की कृष्णदास मेघन ने जान लिया, देखो कैसा है, ममरा खाने की मन में जान ले रहे हैं, तो ये नहीं जान पा रहे हैं कि मेरे को बार बार गुरु के लिए क्यों मना कर रहे हैं, और दो वरदान देने के बाद भी मेरे को वो वरदान फलित क्यों नहीं हो रहे हैं, ये तो नहीं जान पा रहे कृष्णदास जी अभी, समझो क्यों नहीं जान पा रहे, वो आगे भाव प्रकाश कर समझाएंगे, अभी मैं नहीं बोलूंगा बीच में। परंतु यहां महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, अरे जीव का मांगनो जाने, यहां समय जो मांग तो सो दे तो ठाकुर जी को स्वरूप दिखाओ, तो मतलब यहां अनप्रसादी ममरा रात के समय धान मंगा के कटवा के मतलब ममरा सिद्ध करा के खाने की जो इच्छा मेरे मन में हो रही है, तो कोई ऐसे थोड़ी हो रही है कि भोग धरे बिना खा जाऊं, पर मैं इस समय कृष्ण रूप में वो आरोग के तुमको दर्शन देना चाहता हूं, पर तुम वो दर्शन नहीं करना चाहते, तुम अभी भी वो तीन वस्तु पे अटके हुए हो, मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ होए मुखरता दोष जाए और आप मेरे गुरु को शरण लो, ये तीसरी पंचायत लेके तुम खास बैठे हुए हो, सो ठाकुर जी को स्वरूप दिखाओ। तो पाछे आचार्य जी आप तो सौरव पधारे, आप इस गंगा सागर से आप सौरों की तरफ पधारे, तो इनने विनती करी और सौरव पधारे थे जहां रहते थे, तो कृष्णदास जी ने विनती करी जो आप हो जो मेरे गुरु को ले आऊं, अभी कह रहे हैं आप तो आओगे नहीं शरण लेने अंगीकार करने, आपको तो आज्ञा करो तो मैं गुरु को आपके पास ले आऊं। तब आचार्य जी कहो जो तू खेद पावे को, तब कृष्णदास इकले ही गुरु के यहाँ गए, महाप्रभु जी कहीं जा पर तू खेद पावे को, कब से पीछे पड़ो है, गुरु को शरण लो, गुरु को शरण लो। तो जब गुरु ने कृष्णदास को देखे हो तब कहो जो तेने और गुरु क्यों किए, तब कृष्णदास ने कहो जो मैंने तो और गुरु नहीं किए, जो मेरे गुरु तो आप ही हो, पर तुम्हारे प्रताप से मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम पाए। तब माने कहो जो पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे जानिए, तब गुरु के आगे अग्नि की अंगेठी धधकती हती, तामेति कृष्णदास ने दो हाथ की अंजलि भर के अंगार हाथ में ले लिए और कहे जो आचार्य जी महाप्रभु आप पूर्ण पुरुषोत्तम होई तो मेरे हाथ मत जरियो, और जो अन्यथा होई तो मेरे हाथ जरी के भस्म हो जइयो। सो एक मूर्त लो अग्नि राखी, तब उन गुरुन ने भय खाई, तब कही के डार दे, पाछे उन गुरुन ने कृष्णदास के हाथ पकड़ के अपने हाथ से अग्नि डारी दीनी, तब कृष्णदास कहां ते खेद पाई के उठी के आए। यह प्रसंग सब वल्लभाष्टक की टीका में गोकुलनाथ जी ने विस्तार पूर्वक कहो है। अब आप देखो भाव प्रकाश कर तो आप कृपा करके समझाएंगे ही, पर एक विचार करो, सामान्य लौकिक गुरु के पास जाते हैं, दंडवत करते हैं, उसको जाके कृष्णदास मेघन थैंक्स गिविंग करते हैं कि आपके कृपा से आपके आशीर्वाद से मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम को पाए, गुरु खुश नहीं हो रहे, गुरु कह रहे नहीं, कह रहे दूसरा गुरु कर लिया, गुस्सा हो जा रहे हैं गुरु, तो कह रहे हैं कि कैसे जानिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम है, कह रहे मैं प्रमाण दूं, हाथ में अंगार ले ली, अग्नि उठा ली हाथ में, कहीं मेरे हाथ नहीं जले, तो महाप्रभु जी पूर्ण पुरुषोत्तम है। गुरु भय खा गए, एक मूर्त ताई एक घड़ी ताई हाथ में अग्नि रख के खड़े रहे, हाथ को कुछ नहीं हुआ, हाथ को तो कुछ नहीं हुआ, पर कृष्णदास मेघन का हृदय जल गया, एक तुच्छ लौकिक गुरु को कन्विंस करने के लिए मैंने महाप्रभु जी की सत्ता को चैलेंज किया, मैंने महाप्रभु जी के स्वरूप के ऊपर संशय किया कि अगर महाप्रभु जी पूर्ण पुरुषोत्तम हुए तो मेरे हाथ न जरे, ये अगर मगर कहां से आया, क्यों आया, क्या जरूरत है, अगर ये मानता है तो माने, नहीं मानता है तो नहीं माने, महाप्रभु जी पूर्ण पुरुषोत्तम है सो रहेंगे ही, इसके लिए मैंने महाप्रभु जी की सत्ता को चैलेंज किया, और वो भी अग्नि के लिए, अग्नि की परीक्षा लेने के लिए अग्नि हाथ में ले ली, ये तो कितनी फनी बात है, महाप्रभु जी तो स्वयं वैश्वानर है, उनने तो महाप्रभु जी हाथ में लेके ही, जैसे अपन जल हाथ में लेके सौगंध खाते हैं, उनने तो श्री महाप्रभु जी के ही अग्नि रूप को हाथ में लेके सौगंध खा ली कि महाप्रभु जी अगर पूर्ण पुरुषोत्तम हो तो मेरे हाथ नजर है, गुरु कन्विंस हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तो इनका हृदय रो लिया, भाव प्रकाशकार समझा रहे हैं। सो गंगा सागर के तीर पधारे, सो रात्रि को पौड़े होते, सो अर्ध रात्रि में मुरमुरा के मन में आई जो भोग धरिए, सो कृष्णदास पर कृपा करण के लिए कहे थे पुरुषोत्तम को कछु वस्तु की अपेक्षा नहीं है, कदाचित होई तो काहू के ऊपर कृपा करण के अर्थ हुई, सो कृष्णदास को जनाई, तब कृष्णदास तैर के पार जाए के ले आए, ये सब ईश्वर कार्य है, जीव सो ना हुई, तब कृष्णदास चरण दाबी के जनाए,
तब आचार्य जी आप अरोगी के बहुत प्रसन्न भाई, तब कहे मांग, पाछे वही तीन वस्तु मांगी। तब आचार्य जी कहे जीव कहाँ मांगे, जीव को मांगनो ही बाधक है, ताते परमानंद दास ने गायो है मांगे सर्वस्व जात है परमानंद माके, और गुरु को भाव चित्त में तो ता करी महाप्रभु के वचन को विश्वास न भयो। देखो दूसरे गुरु का भाव हृदय में था कि वो गुरु की कृपा से ये मिले हैं, तो उसके कारण क्या हुआ, जो दो वस्तु दी वो भी हृदय में फलित नहीं हुई, तो कहा कि महाप्रभु जी के वचन को विश्वास नहीं है। महाप्रभु जी जब पूछ रहे हैं कि वो बोल क्या चाहिए, तब वही दो वस्तु मांग रहे हैं, वही दो वस्तु मांग रहे हैं। आपको नहीं लगता अपन लोगों की आज भी यही परिस्थिति है, अपन ऐसे ही चीजें बार बार ठाकुर जी बोलते रहे, प्रभु ये कार्य हो जाए और ये कार्य हो जाए, ये कार्य हो जाए, प्रभु बार बार अपने को कहते होंगे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पर धैर्य नहीं, विवेक चूक जाए, आश्रय दृढ़ नहीं, अब करे क्या जीव, बार बार जाए प्रभु ये कार्य कब होएगा, अरे हो जाएगा, पर एक बार को दिए सो दृढ़ है फिर कहां मांगनो, और मार्ग की दुर्लभता दिखाए। श्री महाप्रभु जी के मन की बात मुरमुरा की जाने, परंतु मार्ग हृदयारूढ़ कृपाहिते हो, दोष को स्वरूप है जो मुखरता दोष, जीव को स्वभाव हु जीव हाथ नहीं। जब आचार्य जी छोड़ा में तब ही छूटे, ताते आचार्य जी बिना और में ईश्वर बुद्धि तथा गुरु बुद्धि करे, ताको एतन मार्ग को फल कबहु सिद्ध ना होए। महाप्रभु जी में खाली ईश्वर बुद्धि से भी काम नहीं चलेगा कि महाप्रभु जी ईश्वर है, महाप्रभु जी ईश्वर है, नहीं, महाप्रभु जी ही गुरु हैं, गुरु भाव भी महाप्रभु जी में ही रखना पड़ेगा। महाप्रभु जी से इतर अगर किसी में गुरु भाव होगा तो भी मार्ग का सिद्धांत हृदयारूढ़ नहीं होगा, और इसी कारण से महाप्रभु जी के वरदान देने पर भी वो वरदान फलित नहीं हुए, ना मुखरता दोष गया और ना मार्ग का सिद्धांत हृदयारूढ़ हुआ, क्योंकि अभी तक महाप्रभु जी में गुरु बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो क्या कह रही है, वो गुरु ने कृपा करी तो ये महाप्रभु जी रूपी प्रभु मिले, पर महाप्रभु जी का नाम है सर्वोत्तम जी में, श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु। महाप्रभु जी श्री कृष्ण ज्ञान दो तो हैं, श्री कृष्णास्य तो हैं, आप आनंद परमानंद साक्षात तो हैं, पर आप गुरु भी हैं, गुरु भी महाप्रभु जी का एक नाम है स्वतंत्र, श्री कृष्ण ज्ञान दह एक नाम है, गुरु एक नाम है, और अर्थम तस्य विवेचितम नहीं विभुर वैश्वानराद वाग्पते है। भागवत जी का अर्थ करने के लिए तीन होना जरूरी है एक साथ, विभुत्व, वाक्पतित्व और वैश्वानरत्व, इनमें से एक भी घटेगा तो भागवत जी का गूढ़ अर्थ प्रकट नहीं हो सकता। तो महाप्रभु जी विभु, वैश्वानर, वाक्पति और गुरु, ये चारों हैं, ये अब हृदयारूढ़ हुआ कृष्णदास मेघन को। तो क्या कहा कि जब यह दोष महाप्रभु जी छुड़ावे तब छूटे, पाछे कृष्णदास गुरु के यहाँ दुख पाए, अन्य आश्रय छोड़ो, महाप्रभु के पास आए तब मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ भयो, मुखरता दोष गयो, ताते फिर आचार्य जी सो नहीं मांगो, अन्याश्रय सो बाधक है। भाव प्रकाश कर रहे, गुरु के पास से वापिस आने के बाद जब ये दोनों चीजें उनको प्राप्त हो गई, मुखरता दोष भी गया और मार्ग का सिद्धांत भी हृदयारूढ़ हुआ, उसके बाद उन्होंने कभी भी श्री महाप्रभु जी से ये सब चीजें नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि अब दोनों बुद्धि आ गई, महाप्रभु जी में ईश्वर बुद्धि और महाप्रभु जी में गुरु बुद्धि। तो महाप्रभु जी और महाप्रभु जी के मार्ग में जब तक ईश्वर बुद्धि और गुरु बुद्धि दोनों को आप संचार नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, उसके ढंग से वर्तन नहीं करोगे, तब तक महाप्रभु जी के मार्ग में कुछ समझ में आने वाला नहीं है। कितने भी सर्वोत्तम जी के पाठ करने के बाद भी यदि हृदय से श्री महाप्रभु जी को अपना गुरु नहीं मानते हैं तो महाप्रभु जी के मार्ग में कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ सकल पदार्थ, समस्त लीला संबंधी बातें, भावनाएं, ये सब कृपा के अधीन है, और वो कृपा के जो कृपा निधि हैं वो महाप्रभु जी हैं, जो कृपा सिंधु हैं वो श्री गुसाई जी हैं, ये कृपा सिंधु कृपा निधि का मार्ग है, और करुणा निधि भी है अपने पास। देखो श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुण निधिम श्री गोपीनाथ माश्रय। तो वो दयार्णव है, एक दया का समुद्र है, एक कृपा का समुद्र है, एक करुणा रस मूर्तिमान करुणा का समुद्र है, दया निज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि है। तो जब तक ये तीनों आचार्यों का अपन आश्रय नहीं करेंगे,
अब तक अपने को मार्ग का कोई भी सिद्धांत हृदयारूढ़ नहीं होगा। ये कृष्णदास मेघन की वार्ता से आज हमने वापिस एक बार स्मरण किया। आइए आश्रय का पद करें और कल हम वार्ता प्रसंग 4 से फिर कृष्णदास मेघन के साथ पृथ्वी परिक्रमा शुरू करें महाप्रभु जी के पीछे पीछे। दृढ़ न चरण केरो भरोसो, दृढ़ न चरण केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब युग मांझ देरो भरोसो, साधन और नैया कली में जासो हो यनि बेरो, सूर कहा गए द्विविधयांदरो बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय। Ahem.